देश भर में मध्य प्रदेश की शान कान्हा नेशनल पार्क में आजकल हाथियों की शाही खातिरदारी हो रही है। हाथियों की मसाज की जा रही है और दिन भर मालिश हो रही है। स्वादिष्ट व्यंजन से आवभगत की जा रही है। फलों का रस भी हाथियों की सेवा में हाजिर है। शाही खातिरदारी से गजराज भी मस्ती में मस्त दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहाँ हाथियों के लिए रिजर्वेशन कैंप लगाया गया है। कैंप में 12 महीने पार्क में पेट्रोलिंग करने वाले एक दर्जन से अधिक हाथियों की एक सप्ताह तक मेहमान की तरह सेवा की जाती है। कान्हा नेशनल पार्क में हाथियों के लिए गुड़वा रोटी से लेकर कई तरह के फलों के इंतजाम किए गए हैं। हाथी को स्वादिष्ट व्यंजन देने के पहले नहलाया जाता है। वन विभाग के कर्मचारी उनकी मालिश करते हैं। यहाँ चल रहे रिजर्वेशन कैंप का उद्देश्य जंगलों की सेवा में तैनात गजराज को सेहत के साथ फिर सेवा के लिए तैयार करना है। अगस्त के महीने में जब बारिश अच्छा होता है तो एक कैंप आयोजित करते हैं, वो 7 से 10 दिन का भी होता है और उस पीरियड पे हाथियों को पूरा हम आराम देते हैं। जैसे अभी हम इनको दोपहर का खाना खिला के जंगल की ओर छोड़ देंगे, फिर कल सुबह इनको हम जंगल से लेकर आएंगे, जंगल से लेके आते हैं, फिर इनको हम बढ़िया नहलाने के बाद इनको फिर इनका जो अरंडी का तेल है उसके माथे पे अच्छे मालिश करते हैं, पैरों पे हम नीम का तेल लगाते हैं मैंने, और जो भी इनके खाने का जो अच्छा से अच्छा हम कर सकते हैं। नॉर्मल रूटीन पे हम लोग इनको रोटी और गुड़ तो देते ही हैं खाने में, बट इस कैंप पीरियड में हम इनको गन्ना, आपके जितने भी फ्रूट्स हो सकते हैं, मक्का खाना पसंद करता है तो ये सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। साल भर हाथियों के साथ जंगल में काम करने वाले महावत अब उनके सेवा में लगे हैं। जिन हाथियों पर सवार होते हैं उनकी मालिश के साथ ही साज सवार और सेवा में जुटे ये महावत बताते हैं कि इस कैंप के बाद गजराज भी मस्ती में आ जाते हैं। इस कैंप में सर सभी हाथी हमारी साथ मिलते हैं पूरे तीनों रेंज के, और यहाँ पे हम सेब, केला, अनार, गन्ना, भुंडा ये सब खिलाते हैं सर, और एक हफ्ता का रहता ही है। एक हफ्ता यहाँ से जाने के बाद हाथियों में बहुत उमंग आ जाती है, तंदुरुस्ती बढ़ जाती है और बहुत खुश रहते हैं। साल भर जंगल को संभालने वाले गजराज इन 7 दिनों को ठाट के साथ बिताते हैं। वन विभाग का पूरा अमला और टाइगर रिजर्व की टीम किसी मेहमान की तरह उनकी खातिरदारी करती है, साथ ही उन्हें स्वादिष्ट फल और भोजन भी मिलता है। हमें ये पता चला कि हाथी का यहाँ कैंप लगा है। ऐसे तो हम कान्हा बहुत बार घूमने आए हैं टाइगर देखने के उद्देश्य से, पर ये हमारे लिए बहुत नया अनुभव है कि हम यहाँ आए, हमने हाथियों की पूजा की, उन्हें खाना खिलाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्साहित माहौल है। और ये कैंप से हमने यहाँ जब पूछताछ की तो हमें ये पता चला कि ये कैंप इन हाथियों को आराम देने के लिए और उनको साल भर एक्टिव रखने के लिए किया जाता है। ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है, हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। धन्यवाद।